स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लास ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश फॉर क्लास 3। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डेट सी डब्ल्यू एंड डे। यूनिट 2 लेसन 5। द टॉपिक ऑफ लेसन 5 इज द थ्री लिटिल गॉड्स पार्ट 2। इस स्टोरी के हम पार्ट 1 की पहले रीडिंग कर चुके हैं, आज हम इसके पार्ट 2 की रीडिंग करेंगे। एक्सरसाइज 1, रीड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। वी हैव टू क्वेश्चंस। वेयर डिड द वुल्फ स्टार्ट इट्स क्लाइंब। भेड़िए ने कहाँ से चढ़ना शुरू किया। वेयर डिड इट फिनिश। और इसने कहाँ पे ख़त्म किया। वी विल रीड दिस स्टोरी देन यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द थ्री लिटिल गॉड्स हर्ड द वुल्फ क्लाइंब इनसाइड द टॉप ऑफ द चिमनी। हर्ड मीन्स सुना, इनसाइड अंदर, टॉप ऊपर का हिस्सा। तीन छोटे बकरों ने चिमनी के ऊपर वाले हिस्से के अंदर भेड़िए के चढ़ने को सुना। They were afraid, afraid. They were afraid, वो खौफजदा हो गए थे, डर गए थे। ओह नो, अरे नहीं, द वुल्फ इज़ कमिंग डाउन द चिमनी। भेड़िया चिमनी से नीचे आ रहा है। They shouted, shouted. They shouted together. Together means इकट्ठे। They shouted together, वो इकट्ठे चलाए। क्विक, जल्दी करो, सेड टाइनी हॉर्स। टाइनी हॉर्स ने कहा जल्दी करो। पुट मोर स्टिक्स ऑन द फायर, आग के ऊपर कुछ मज़ीद लकड़ियाँ डालो। इट विल बी टू हॉट फॉर वुल्फी, ये भेड़िए के लिए ज़्यादा गर्म हो जाएगी। बट द वुल्फ कॉन्टीन्यू टू क्लाइंब डाउन द चिमनी। कॉन्टीन्यूड मीन्स जारी रखना, लेकिन भेड़िए ने चिमनी से नीचे आना जारी रखा। क्विक, जल्दी करो, सेड शॉर्ट हॉर्स। शॉर्ट हॉर्स ने कहा जल्दी करो। पुट सम वेट लीव्स ऑन द फायर, आग के ऊपर कुछ सूखे पत्ते डालो। वेट लीव्स मीन्स सूखे पत्ते। इट विल बी टू स्मोकी फॉर वुल्फी, ये भेड़िए के लिए ज़्यादा धुएँ वाली हो जाएगी। बट द वुल्फ कॉन्टीन्यू टू क्लाइंब डाउन द चिमनी, लेकिन भेड़िए ने चिमनी से नीचे आना जारी रखा। क्विक, जल्दी करो, सेट लॉन्ग हॉर्न्स। लॉन्ग हॉर्न्स ने कहा जल्दी करो। पुट मोर स्टिक्स ऑन द फायर, आग के ऊपर कुछ और स्टिक्स डालो। मूव द पैन ऑफ हॉट वाटर ओवर द फ्लेम्स, FLAMES, फ्लेम। फ्लेम्स मीन्स शोले। मूव द पैन ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी के बर्तन को हिलाओ। ओवर द फ्लेम्स, शोलों के ऊपर। शोलों के ऊपर गर्म पानी के बर्तन को हिलाओ। द वाटर विल बी टू हॉट फॉर वुल्फी, पानी भेड़िए के लिए ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सून दे कुड सी द वुल्फ्स टेल अबव द फायर प्लेस, जल्दी ही वो आतिशदान के ऊपर भेड़िए की टेल को देख सकते थे। फायर प्लेस मीन्स आतिशदान। दिस इज़ फायर प्लेस। यहाँ पर देखें, आपको एक पॉट नज़र आ रहा है बॉइलिंग वाटर का। क्विक, जल्दी करो, सेड टाइनी हॉर्स। टाइनी हॉर्स ने कहा पुल, खींचो। सो दे पुल द वुल्फ्स टेल, इसलिए इन्होंने भेड़िए की दुम को खींचा। एंड द वुल्फ फेल इनटू द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, और भेड़िया गर्म पानी के बर्तन के अंदर, उबलते हुए पानी के बर्तन के अंदर गिर गया। फेल मीन्स गिर गया। शॉर्ट हॉर्न्स हिट द वुल्फ ऑन द हेड विद द बिग आयरन स्पून। शॉर्ट हॉर्न्स हिट द वुल्फ, शॉर्ट हॉर्न्स ने भेड़िए को मारा। हिट मीन्स मारा। ऑन द हेड, सर पे, विद द बिग आयरन स्पून, एक बड़े लोहे के चम्मच से। शॉर्ट हॉर्न्स ने भेड़िए को एक बड़े लोहे के चम्मच से उसके सर पे मारा। लॉन्ग हॉर्न्स पुट द लिड ऑन द पॉट, लिड मीन्स ढक्कन। लॉन्ग हॉर्न्स ने बर्तन के ऊपर उसका ढक्कन लगाया। एंड टाइनी हॉर्न्स पुट अ हैवी स्टोन ऑन द लिड, और टाइनी हॉर्न्स ने एक भारी पत्थर, हैवी स्टोन मीन भारी पत्थर, और टाइनी हॉर्न्स ने एक भारी पत्थर ढक्कन के ऊपर रखा। एंड टाइनी हॉर्न्स पुट अ हैवी स्टोन ऑन द लिड, और टाइनी हॉर्न्स ने एक भारी पत्थर ढक्कन के ऊपर रखा। दैट वॉज द एंड ऑफ द बिग बैड वुल्फ, ये बड़े बुरे भेड़िए का इख्तिताम था। एंड मीन्स इख्तिताम।
दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. वेयर डिड द वुल्फ स्टार्ट इट्स क्लाइम? द वुल्फ स्टार्टेड इट्स क्लाइम एट द टॉप ऑफ द चिमनी. वेयर डिड इट फिनिश? इट फिनिश्ड इन द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर.